क्राई मतलब रोना, ये हम सब जानते हैं, लेकिन अक्सर हम अलग अलग तरीके से रोते हैं। कोई धीमी आवाज़ में रोता है तो कोई चिल्ला चिल्ला के रोता है। तो इंग्लिश में धीमी आवाज़ में रोने के लिए अलग वर्ड है, चिल्ला चिल्ला के रोने के लिए अलग वर्ड है, और आज हम ये दोनों वर्ड सीखने वाले हैं। तो वीप मतलब होता है धीमी आवाज़ में रोना या बिना आवाज़ करे रोना। राहुल इज वीपिंग, राहुल रो रहा है। लेकिन कब कहोगे? अगर राहुल बिना आवाज़ करे सिर्फ आंसू बहा रहा है, हम कहेंगे राहुल इज वीपिंग, राहुल रो रहा है। शी ऑलवेज वीप्स व्हाइल वॉचिंग अ मूवी, वो मूवी देखते वक्त हमेशा रोती है। हीरो मर गया, हे भगवान हीरो मर गया, ऐसा नहीं होता है, लेकिन हल्के आंसू आ जाते हैं, उसके लिए हम कहेंगे वीप। शी ऑलवेज वीप्स व्हाइल वॉचिंग अ मूवी, वो हमेशा मूवी देखते वक्त रोती है। तो बहुत चिल्ला के नहीं, हल्के आंसू आ जाते हैं, तब कहेंगे हम वीप। वेल कोई मर जाए तो हे भगवान मर गया करते हैं ना, उसी इंग्लिश में कहते हैं वेल। द विडो वॉज वेलिंग, विधवा चिल्ला चिल्ला के रो रही थी, मेरा पति मर गया, अब मैं किसे परेशान करूंगी। हाँ, द विडो वॉज वेलिंग, विडो चिल्ला चिल्ला के रो रही थी। एवरीवन वॉज वेलिंग, हर कोई आक्रोश कर रहा था, हर कोई जोर जोर से रो रहा था। तो क्राई आप यूज़ करते किसी भी रोने के लिए, लेकिन रोना धीमी आवाज़ में है या बिना आवाज़ के है तो आप वीप कहेंगे, रोना बड़ी आवाज़ में है तो आप वहाँ पे वेल कहेंगे। और देश में मचिए लूट, अरे भैया सब्सक्राइब कर लो एब्सोल्यूट।